वो कह रहे थे कि हम घर तोड़ देंगे आपका, अब बाहर निकल लिए, बिल्डिंग गिराएंगे। गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे कि ये जो भी कुछ लिया ये लिया था हमने, मजदूर है, मजदूर है। सब कुछ बेच के लिया था। चौबीस तारीख को फिर आने वाले हैं। अच्छा। और 24 तारीख को आएंगे, फिर कह रहे हैं कि आपके बार हम सारे तोड़ के जाएंगे। बताओ हम 24 तारीख को कहाँ चले जाएंगे? जिस टाइम आते हैं इतनी बदतमीजी करते हैं। उन्होंने कहा ज्यादा बोल रही है। अच्छा। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी बन रही है। मैंने कहा भाई अगर मैं पढ़ी लिखी होती ना तो शायद आपकी पोस्ट पर आज मैं होती ना, तो हमारे नाम से नोटिस आया और ना हम लोगों को पता। हमें तो जब नोटिस लग जाते हैं और फट जाते हैं ना तब कोई कार्रवाई हो रही है, जब हमें पता चल रहा है कि ये नोटिस ऐसे लगा है। आज हम जो आपको कहानी बताने वाले हैं वो कोई कहानी नहीं बल्कि 10 परिवारों से जुड़ी और उनके जीवन से आधारित है। हम आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में जो है वकालत करने वाले लोग जो कानून की रखवाली करते हैं उसी कानून का जो है गलत तरीके से हथियार बना के जब लोगों के ऊपर उन्हें दिखाना, उनका खौफ दिखाना शुरू कर दे तो उसका हश्र क्या होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदबाग करावल नगर में और एक बार जो है ये तस्वीर पहले दिखाइए कि ये जो है ये कमरा है और कमरा के अंदर जो है ये MCD का कारनामा है। ये जो है इस बिल्डिंग को पेंचर किया गया है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर तकरीबन जो है 8 से 10 परिवार रहते हैं और इन लोगों को जो है लीगल तरीके से नोटिस दिया गया है। नोटिस किस वजह से दिया गया है? क्योंकि इसमें जो है एक वकील साहब ने ये नोटिस भेजा है क्योंकि उनकी लड़ाई जो थी बिल्डर से थी, बिल्डर से उनकी खटपट चली, लेकिन उस बीच में जो है अब ये आम 10 परिवार जो हैं उनमें पिसने को मजबूर हो गए हैं। सबसे पहले जुड़ते इन लोगों के साथ बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कोई व्यक्ति जो है कानून का गलत उपयोग करके किस तरह से किसी को धमकाता है, डराता है और किसी को जो है उसके घर को खाली कराने में या घर से धक्का मार के निकलवाने में जबरन किस तरह से इस्तेमाल करता है। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद यामीन है। यामीन साहब कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हमें यह रहते हुए 3 साल हो गए। 3 साल हो गए जी। ये बताइए ये जो पेंचर किया गया है ये कब किया गया? ये 24 अप्रैल को जी। किस कारण से, किस वजह से? नहीं ये तो हमें पता नहीं, हम तो यहाँ थे ही नहीं। अच्छा। उस दिन त्योहार था, ईद का दिन था। हाँ। ईद के दूसरे दिन हमें पता चला। हाँ। कि यहाँ पे पुलिस आई हुई है और MCD के बंदे आए हुए हैं। हाँ। फ्लोर तोड़ने के लिए। हाँ। जब हमने आके देखा। हाँ। तो यहाँ फोर्स भी होती और वो तोड़ लेते। वो कह के चले गए कि भाई हमारे पास ये इलीगल जगह है, ये आपका जो फ्लैट है इलीगल है। अब हमें नहीं पता है किस वजह से इलीगल है। क्या आपने सवाल नहीं पूछे कि इलीगल जो है यही जगह है या फिर ये पूरा एरिया जो चांदबाग का आता है पूरा इलीगल है? नहीं, अब इस बारे में तो हमसे बात हुई नहीं, उनकी किसी की भी नहीं, वो बात करते ही नहीं है। अच्छा। वो तो फोर्स लाए थे, यहाँ तो लेडीज़ें थी, हम तो थे, जेंट्स तो था ही नहीं, लेडीज़ है वो बच्चे थे, जेंट्स तो सारे अपना काम पे गए हुए थे, दिन का टाइम अच्छा, था सब काम पे गए हुए थे उस वक्त ही। उस वक्त आए। क्या नाम है आपका? मेरा निज़ाम अली नाम है। निज़ाम भाई ये जो हुआ है आपके बिल्डिंग को पेंचर किया गया है जहाँ पर आप लोग रहते हैं, किस वजह से पेंचर किया गया? पेंचर इसमें जो है इन्होंने बताया कि बिल्डर के साथ में कुछ इनका लड़ाई झगड़ा था। किसका? इनका जो वकील है यहाँ पे। हाँ। जिसने यहाँ पे कुछ फ्लैट का कुछ इन्होंने लिया होगा। हाँ। तो उनके आपसी रंजिश में जो है उन्होंने क्या कोई केस वगैरह कर दिया इसमें अनऑथराइज्ड का। हाँ। कि बिल्डिंग जो है अनऑथराइज्ड है। अब ये तो हमें पता नहीं है कि अनऑथराइज्ड है कि नहीं है। अब अचानक से 23 तारीख में रात में इन्होंने जो एक नोटिस लगाया गेट के पास। मैं तो कौन सा महीना? ये अप्रैल का महीना था, यानी ईद का एक ही दूसरा दिन का था। ठीक है। ऐसा था, मैं जो है अपने दूसरे घर पे था तो मुझे जो है मेरे फ्रेंड ने यहाँ से एक नोटिस भेजा कि यार यहाँ पे जो ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ। आप आ जाओ देख लो क्या है। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं सुबह देखता हूँ क्या है। मैं जब सुबह आया देखा तो यहाँ 10-11 बजे के आसपास। हाँ। काफ़ी फोर्स थी, वो सारे लोग थे यहाँ पे, लेडीज़ पुलिस वाले थे सारे थे और घर में खाली मतलब ईद का त्यौहार था। हाँ। तो जेंट्स लोग थे, कुछ लोग बाहर गए हुए थे। तो यहाँ पे आने के बाद में जो है सबको जो है गुस्सा करा पुलिस वाले ने, जो भी थे गेट वेट खुलवाया सबको। आप सब सोच रहे बस नॉर्मल होगा और खोलने के बाद में जो है सीधा आके सब लोग आ गए, तोड़ने वालों को लेकर आए हुए थे। तो उन्होंने क्या करा इस फ्लैट को भी जो है इन्होंने तोड़ा है, पंचर किया है और इधर भी तोड़ा है पंचर किया है। देखिए ये नोटिस की तस्वीर है। हाँ। और इसमें देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए आप। हाँ। ये लिखा हुआ है, ये तस्वीर दिखाइए। इसमें जो है जो मोहम्मद साबिर है उनको जो है ऑनर बताया गया है। ये वही है जो आपके बिल्डर हैं? जो बिल्डर हैं। अच्छा। वही है।
तो ये जो है बिल्डर के नाम पे नोटिस आई है, बिल्डर के नाम पे नोटिस आया हुआ है। देखिए कितने शर्म की बात है कि एमसीडी ने जो है किस तरह से कितना घटिया काम किया है। जो नोटिस आना चाहिए था, अगर इस जगह पे जो आना चाहिए था, या तो इनके नाम पे आता, इनके नाम पे आता, इनके नाम पे आता, या फिर ये तमाम जो 10 परिवार हैं उनके नाम पर आना चाहिए था। लेकिन इसका जो नोटिस आया है वो बिल्डर के नाम पे आया है। क्या बिल्डर अभी भी इस बिल्डिंग का ओनर है? जी। ये आपके नाम से पेपर? जी। तो आपके नाम से कोई नोटिस आया? नहीं नहीं नहीं। जब ये लोग पेंचर करने आए थे तब घर में थी आप? जी हाँ। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने ये तो घर से बाहर निकाल रहे थे, सबको खींच खींच के निकाल रहे थे। हाँ। सब कोई भी जाने को तैयार नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती नीचे गली में ले गए थे सबको। अच्छा, कुछ आपने पूछा नहीं किसी से, किसी अधिकारी से? हाँ, पूछा था तो यूँ कह रहे थे कि ये ना बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। हाँ। इसे बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी खाली करो। क्यों तोड़ी जाएगी ये कुछ पता चला? बस ऐसा बोला ही नहीं, बस यूँ कह रहे थे खाली करो इसको। ये जो हमें हमारी देश में संविधान दिखाते हैं, जो संविधान की कसम खाते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, वो लोग जो है किस तरह से आम जनता के साथ, उनके जीवन की गाढ़ी कमाई के साथ जो है उन्हें लूटने का प्रयास करते हैं। आपसे रंजिश किसी और की, आपसे विवाद किसी और की, आपसे मामला किसी और का, और उसमें जो ये पिस रही हैं ये तमाम महिलाएं, इनके साथ ये छोटे छोटे बच्चे जिनके भविष्य बनने चाहिए थे, जिनके लिए इन्होंने घर खरीदा, अब जो है उसी घर पर लगातार कभी हथौरों से जो है पेंचर किया जा रहा है, कभी जो है गिराने की धमकी दी जा रही है। क्या नाम है आपका? अंजुम। अंजुम जी, आपके नाम से पेपर है? जी, ये रहे पेपर। ये आपके नाम से पेपर है जी। क्या एक बात बताइए, क्या ये जो पेपर है जी, इसमें जो नाम है उस नाम से जो है आपके पास नोटिस आया था? जी नहीं, नोटिस नहीं आया था। नहीं आया जी। ये बताइए, जब वो लोग तोड़ने आए थे तब यहाँ पे थी? जी हम यहाँ पे थे, हमें बाहर निकाल दिया था। हाँ, सब औरतों को डंडे ले रखे थे मारने के लिए। अच्छा जी, क्या कह रहे थे वो लोग? वो कह रहे थे कि हम घर तोड़ देंगे आपका, अब बाहर निकल लिए, बिल्डिंग गिराएंगे। आपने क्या किसी से पूछा कि आप जो है मेरा घर क्यों तोड़ेंगे? पूछ रहे थे, बोलने नहीं दे रहे थे हमें बिल्कुल भी, कुछ नहीं, हमें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे वो बिल्कुल भी। हमारे आँख में आंसू थे, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, रो रहे थे, भूखे प्यासे थे हमारे बच्चे, गरीब आदमी है कहाँ जाएंगे, कि ये जो भी कुछ लिया ये लिया था हमने जोड़ जाड़ के। कब से आप यहाँ पे रह रही हैं? जी हमें 2-3 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। दो तीन साल से जो है ये महिला यहाँ पे रह रही हैं अपने परिवार के साथ। आज जो है इनके आँखों में आंसू हैं, ये पूछ रही है सवाल, लेकिन इस जवाब को कोई देने वाला नहीं है। ये लगातार जो है ये कह रही है इस बात को कि हम उस दिन भी चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे थे कि ये किस वजह से तोड़ा जा रहा है। अगर ये अवैध था तो बनते वक्त जो है एमसीडी के वो जेई कहाँ थे, वो एई कहाँ थे, जिनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए था कि ये बिल्डिंग कैसे बन गई, कैसे जो है ये बिल्डिंग धीरे धीरे जो है 4 मंजिल एक ही बार खड़ी हो गई, और वो लोग क्या आँख बंद करके सोए थे? क्या प्रशासन के लोगों को ये दिखा नहीं, या फिर पुलिस महकमे के अधिकारियों को इस बात की भनक नहीं लगी कि गली में जो है बिल्डिंग बन रही है और उन्हें जो है ये अवैध करार दे दिया? लेकिन अब जरा सोचिए कि क्या नाम है आपका? फरनाज। फरनाज जी, आपके नाम से भी है पेपर? नहीं, मेरे हस्बैंड के नाम से है। हस्बैंड के नाम से है। कब खरीदा था आपने? 1-1.5-2 साल हो गए। 2 साल हो गए। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मजदूर हैं। सब कुछ बेच के लिया था। सब कुछ बेच दिया एक घर के लिए? सब कुछ बेच दिया, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास, और अब किराए पे रह रहे हैं, बहुत परेशान है इस वक्त हम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। उनकी पढ़ाई चल रही है? कब से आप इस बिल्डिंग में रह रही हैं? 2 साल जब हमने लिया था तभी से हम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। अभी तो हमारा कर्जा भी नहीं उतरा, अभी आगरे बैठ गए, कभी कहते इतने पैसे लगेंगे, कभी इतने पैसे लगेंगे, कहाँ से देगा, क्या करें, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो जो थी सब आपने जो है घर खरीदने के लिए लगा? सब कुछ बेच दिया हमने। क्या नाम है आपका? जायदा। आपने भी जो है इसी बिल्डिंग में अपना घर खरीदा? मुझे 7 साल हो गए इस बिल्डिंग में रहते हुए। जी जी। 7 साल से आप यहाँ? साल से मैं इस बिल्डिंग में रह रही हूँ, जब से इसमें कुछ नहीं था। ये नोटिस जो है आप लोगों को कब दिया गया? ये दिया गया है 23 मई को। हाँ, 23 मई जी। और ये जो है यहाँ पर पेंचर करने कब आए थे? ये आए हैं 25 को, 25 अप्रैल को आए,
अचानक से बिल्डिंग में घुस गए, हम सबको बाहर निकाल दिया। मिलिट्री साथ में थी, जो नहीं निकल रहे थे उनके साथ लेडीज़ पुलिस भी थी, बहुत बदतमीजी कर रहे थे, हमें निकलना पड़ा। उन्होंने कहा आज बिल्डिंग गिराने आए हैं और गिरा के ही जाएंगे। हमारे साथ बहुत बदतमीजी भी हुई और तोड़ के भी गए। इस चीज़ को लेकर जो है आपने अपने जो बिल्डर हैं उनसे मिलने की कोशिश की कि जो हमने आपसे घर खरीदा था उसे आज तोड़ा जाए? बिल्डर से फ़ोन पे बात हुई थी तो बिल्डर ने कहा कुछ नहीं होने का है, कुछ नहीं करेंगे। हाँ। उन्होंने ये कह के फ़ोन काट दिया और वो तोड़ के भी गए हैं और सील लगा के भी गए हैं। अच्छा, सील भी लगा दिया उन्होंने। मेरे तो शोर भी नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी लेके बच्चों को। अब 24 तारीख को फिर आने वाले हैं। अच्छा। और 24 तारीख को आएंगे, फिर कह रहे हैं कि आपकी बार हम सारे तोड़ के जाएंगे। बताओ हम 24 तारीख को कहाँ चले जाएंगे? जिस टाइम आते हैं इतनी बदतमीजी करते हैं, हम अलग रोते हैं, हमारे बच्चे अलग रोते हैं। 7 साल से मैंने अपनी पूरी रकम लगा दी, मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ, कहाँ लेके जाऊँगी बच्चों को? कोई हमारी सुनवाई नहीं है किसी भी जगह, हम सब जगह भागे फिर रहे हैं, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो आपके क्षेत्र के निगम पार्षद हैं उनसे मिलने की कोशिश? क्षेत्र ने, निगम पार्षद ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता। हाँ। हाई कोर्ट से तोड़ने के ऑर्डर निकल गए हैं, अब ये कैंसिल नहीं होंगे। अच्छा। उन्होंने ये बोल दिया। क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा जी, आपको भी नोटिस आई? जी। आपके नाम से आई? जी नहीं, ये मेरे शौहर के नाम पर है। हाँ, नोटिस आई जो है, घर जो है आपके नाम, शौहर के नाम पे। जी, लेकिन नोटिस जो है आपके नाम से नहीं आई ना आपके शौहर के? हमारे नाम से कुछ नहीं आया। हाँ। वो साबिर के नाम से आया नोटिस, जिसमें कि हमारे लोग, हम जो लोग हैं, हम लोगों ने खरीदे हैं, तो हमें तो पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि ये हो क्या रहा है। ये नोटिस तो साबिर के नाम से है, तो फिर इसमें हम लोगों का क्या कसूर है, ये बताइए। एक बात बताइए, इस फ्लैट के जो है मालिकाना अधिकार आपके हैं और नोटिस जो है वो बिल्डर के नाम से आते हैं, तो क्या ये सवाल आपने पूछा नहीं किसी अधिकारी से? मैंने MCD वालों से कहा था, मैंने कहा एक बात बताइए, जब आप ये कह रहे हैं ये बिल्डिंग अनऑथराइज है, ठीक है, जब ये अनऑथराइज है तो आपने इस बिल्डिंग को बनने किस लिए दिया? जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब आप लोग कहाँ थे? हैं, ये बताइए मुझे। तो इसका मतलब आप लोगों ने पैसा खाया, ये बिल्डिंग बनने दी और उसमें हम लोग गरीब लोग फंसे। क्यों फंसे हम लोग गरीब? क्यों? क्योंकि तुम MCD वाले कमजोर थे, तुमने पैसा ले लिया और तुम पीछे हट गए पैसा लेके। कौन सा जोन है आपका? शाहदरा। शाहदरा नॉर्थ। जी। फिर क्या हुआ उसके बाद, जब आपने पूछा तो क्या आपको जवाब मिला इस चीज का? उन्होंने कहा ज्यादा बोल रही है। अच्छा। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी बन रही है। मैंने कहा भाई अगर मैं पढ़ी लिखी होती ना तो शायद आपकी पोस्ट पर आज मैं होती। हाँ। अब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, इसीलिए मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं है। हाँ। तो वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर उन्होंने जबरदस्ती कहा कि जिसने पैसा लिया है उससे बात करो, हमें नहीं पता, बाहर निकलो। अगर हमें नहीं निकलोगे तो हम यहाँ बाहर सील डाल देंगे, बाहर से मरते रहना फिर अंदर। ये बताया जा रहा है कि ये जो नोटिस भेजा गया वकील की वजह से भेजा गया, बिल्डर के बीच में जो है कहीं ना कहीं आपसी जो कुछ भी खटपट थी। भाई हमें नहीं मालूम कि इनकी खटपट क्या है या क्या चल रहा है इनके बीच में, हमें नहीं मालूम। ना तो हमारे नाम से नोटिस आया और ना हम लोगों को पता। हमें तो जब नोटिस लग जाते हैं और फट जाते हैं ना, तब कोई कार्रवाई हो रही है, जब हमें पता चल रहा है कि ये नोटिस ऐसे लगा है। हमें नहीं पता कि नोटिस किस लिए लगा है, हमें तो इन दोनों के बीच की बात भी नहीं पता कि किस बात पर इनकी आपस में हो रही है। तो क्या आप लोगों ने में से जो है किसी ने वकील से मिलने की कोशिश की? जी। क्या फिर वहाँ से क्या जवाब आया? कागज हमें दे दो। हाँ। और जो मैं लड़ लूंगा अपना सारा कागज हमें दे दो। बाकी जुल्फुकार वकील जो बोले अपने कागज हमें दे दो, अपनी रजिस्ट्री मैं कर लूंगा जो करना है, वो ये बोले। मतलब वो उन्हें जो करना है वो कर लेंगे, आप अपने अपनी सारी रजिस्ट्री हमें दे दो, ये बात उन्होंने बोली थी जब वो यहाँ। और उन्होंने बोला था कि साबिर को जेल कराना है मुझे, तो तुम मेरा साथ दो। अच्छा। अब हम ऐसे अपने पेपर किसी को भी थोड़ी ना दे देंगे। क्या नाम है आपका? खैर निशा। आपकी भी यहाँ पे मकान? मैं अपनी भाभी के साथ रहती हूँ। अच्छा। यहाँ पर हमारे छोटे छोटे भतीजे हैं और हमारी भी शादी नहीं हुई। किस तरीके से हमने पैसा इकट्ठा किया हमारी मजदूरी करके, आज हम बेघर हो रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, सील लग गई हमारे घर में, और हम कहाँ से पैसा लाएंगे? ये तमाम महिलाएं जो हैं ये बहुत ही छोटे घर से हैं, ये लोग जो है एक सपना है इनके आंखों में कि ये अपने घर में रहें, लेकिन अपने घर को जो है किस तरह से इनसे छीना जा रहा है, एक एक मेहनत करके एक एक रुपए जमा करके जो है इन्होंने इस घर को खरीदा, लेकिन अब जो है इससे घर छीना जा रहा है। आप ये बताइए बिल्डर जो है उसके बीच में और वकील के बीच में जो है किस वजह से खटपट?
खटपट ऐसे सुनने में आया है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो उस टाइम पे जो इसके फर्स्ट फ्लोर के जो दो रूम है सेट हैं और जो सेकंड फ्लोर के दो रूम सेट हैं उसने बिल्डर ने कुछ शायद बयान वयान दे करके सॉरी उसने वकील ने इनको अपने अंडर में लेने की कोशिश करी। अच्छा। लेकिन जो है फिर उसमें शायद उनके बीच में कुछ बात को लेकर खटपट हुई हो क्या हुआ है तो फिर उसके हाथ में जो हैंड ओवर नहीं किया वकील को या कुछ भी ऐसा मसला है तो उस चीज़ की मुझे लग रहा है खुन्नस निकालने के लिए दबाव बनाने के लिए साबिर पे वो इस बिल्डिंग को जो है अनऑथराइज्ड जो है घोषित करना है कुछ केस वगैरह ऐसा समथिंग किया है ये वो मसला है तो इस वजह से मुझे लग रहा है सब तोड़ा फाड़ी मच रही है। इस चीज़ को लेकर जो है क्या आपने वकील साहब से बात की कि वकील साहब आप हम गरीबों के ऊपर जो है क्यों जुल्म ढा रहे हैं? गए थे एक बार हम लोग 5-6 लोग गए थे उसके यहाँ पे चैम्बर में 30 जारी में तो हमने उनसे कहा कि यार ऐसे हम 10 परिवार रहते हैं आप अपनी जो परेशानियाँ जो भी मसला है आप साबिर से निपटे अगर आपको पर्सनली झगड़ा है आप हम 10 परिवार लोगों से जो है झगड़ के या घर परिवार तोड़ के बताइए आपको क्या मिलेगा तो उसने बोला कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तुम अपना समझो मैं अपना समझूंगा। अच्छा। उसका ये मसला था। ये देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर आपस में जो भी हुआ बिल्डर और वकील के बीच वकील ने जो है बयाना दिया था 2 फ्लोर का और उनको जो है शायद किसी वजह से नहीं दिया और बिल्डर ने जो है किसी और से बेच दिया और जब ये 10 परिवार यहाँ रह रहे हैं तो इनके ऊपर जो है अब नोटिस भेजा जा रहा है इन्हें जो है इल्लीगल का हवाला दिया जा रहा है ताकि जो ये लोग हैं यहाँ से खाली कर दे और यहाँ पर जो है MCD से लेकर तमाम अधिकारी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब बिल्डिंग बन रहा था तब से लेकर और बनने के बाद बिकने तक ये अधिकारी से लेकर प्रशासन महकमे के लोग पार्षद से लेकर JEE तमाम वो लोग शहादरा नॉर्थ जोन MCD पर ये सवाल खड़े होते हैं कि वो लोग उस वक्त कहाँ थे कौन सी ऐसी नींद में सोए थे कौन से ऐसे नशे में सोए थे जिन्हें जो है उनके नाक के नीचे ये जमीन से बिल्डिंग बनती रही और उन्हें पता नहीं चला। और एक चीज और बता दूं कि ये बिल्डिंग में जो है ऑनर ये 10 परिवार है लेकिन नोटिस जो है बिल्डर साबिर के नाम पर आया है और उसके बाद जो है इन्हें ही अपने घर से निकाला जा रहा है और इनके घर को जो है पेंचर किया जा रहा है बार बार तोड़ने की धमकी दी जा रही है। अगर हो सकता है कि ये वीडियो बड़े अधिकारियों तक पहुंचे तो वो लोग जो है इस चीज को संज्ञान में ले और कानून और संविधान के तहत चलने वाले इस देश में अगर लोकतंत्र बचा है तो इन लोगों को बचाने की कोशिश की जाए इनके घर को बचाने की कोशिश की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट HD के साथ मैं विनायक कुमार दिल्ली अप टू डेट।